ये जो आजकल मीडिया की वजह से मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों और हमारे बिरादरान वतन का जो सलूक हो रहा है, उसकी वजह से हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें और हम गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इज़्ज़त बाइज़्ज़त इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारने के मौके नसीब फरमाए, बेइज्जती से हमारी हिफाजत फरमाए। हम मीडिया के लोगों से भी ये अर्ज़ करते हैं कि खामखाही ऐसी झूठी गलत सनद बातें बयान न करें कि जिसकी वजह से ये मुल्क में रहने वाले बाशिंदों के दरमियान में नफरत पैदा हो, दुश्मनी पैदा हो। आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे मुल्क को गोया आप संभाल रहे हैं अपनी मीडिया के ज़रिए, अपने ख़बरों को शाया करने के ज़रिए। तो आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो अमानतदारी और सच्चाई और सदाकत को आप जितना अपनाएंगे उतना आप कामयाब होंगे। गलत सलत ख़बरों को शाया न फरमाएं। महज सुनने वाले टीवी और देखने वाले से ये कहता हूँ, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू भाई हो, उन सब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप टीवी में देखते हुए और बातों को सुनते हुए सोचें कि इनकी बात कहाँ तक सही है। कि क्या मुसलमान इस मर्ज का मरकज़ है, इस मर्ज का सर चश्मा है कि उनसे ये मर्ज निकला है? सबसे पहले किससे निकला, कहाँ निकला, तो ये सोचना चाहिए। ये तो मज़हब से इसका ताल्लुक जोड़ रहे हैं। तो इस बिना पर आप हजरात इस टीवी को देखकर, इन बातों को सुनकर आप अपने दोस्त अहबाब में, मिलने जुलने वालों में, अपने मोहल्ले में रहने वालों के साथ आप नफरत पैदा न करें। जो लोग बाहर से सफ़र करके आए थे और दिल्ली जाकर आए, मरकज़ होकर आए, तो उनको पुलिस ने पकड़ा और फिर उनको यहाँ बेंगलुरु में हज हाउस में भी रखा और उनका टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद तकरीबन वो 150 लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से बहुत सों की जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है और कई एक को उनके अपने घरों को भेज दिया गया है। बाद लोग ऐसे हैं कि जो बाहर ममालिक के हैं उनको वहाँ रखा गया है और बाज़ों का जो टेस्ट ज़रा सा उनके बारे में ये ख्याल है, ये शक है कि ये वो पॉजिटिव है, उनको अस्पताल भेज दिया गया है। तो उस सिलसिले में भी ज़्यादा आप ज़्यादा सोच कर गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बहुत अच्छा निज़ाम हुआ है और चल रहा है। अब जो बाकी हैं वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इत्मीनान के साथ वहाँ काम हुआ और वहाँ जो मौजूद थे उन तमाम लोगों को जिनका नेगेटिव निकला, तबीयत अच्छी रही, उनको वहाँ से रिहा कर दिया गया है।